नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार व रोडवेज विभाग हरियाणा में अब विभिन्न रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले भिवानी से पंचकुला और भिवानी से दिल्ली बस सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन आज हरियाणा में एक जिले से दूसरे जिले के लिए भी बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिसमें केवल सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए केवल 30 सवारी को बैठाया जाएगा, ताकि बस ऑनलाइन टिकट भी बुक की जा सके। रोडवेज महाप्रबंधक गुलाब सिंह ने कहा है कि एक बस भिवानी से पंचकुला जाती है तथा अगले दिन पंचकुला से भिवानी आती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिल्ली से भिवानी जो बस आती है वहां से दूसरी अगर सवारी बनती है तो वो वहां से चलेगी। वहीं इसके लिए हिदायत दी गई है कि इसमें वही सवारी बैठाई जाए जिसके लिए रेलवे टिकट कन्फर्म किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अन्य जिलों से भी सवारियाँ होंगी, उनके लिए भी बस सेवाएँ शुरू की जाएगी। यदि सवारी कम होती है तो बस का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भिवानी की बात करें, भिवानी डिपो से कितनी गाड़ियां फिलहाल जो है रवाना की जा रही हैं, स्थिति क्या है भिवानी डिपो की फिलहाल? भिवानी से मात्र एक गाड़ी पंचकुला के लिए जाती है और एक दिन पंचकुला से यहाँ के लिए आती है, यानी कि दो गाड़ी होगी दिल्ली, एक गाड़ी जाएगी और एक गाड़ी आएगी, एक पंचकुला की होगी और एक भिवानी डिपो की होगी। दूसरी बात है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए हमारी तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है कि भिवानी से गाड़ी दिल्ली की जाए, नहीं। दिल्ली डिपो को आदेश दे रखे हैं कि वो भिवानी जाए और भिवानी से सवारी बनती हैं तो यहाँ आए। वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हेडक्वार्टर से डायरेक्शन है, उन्हीं को बस में बैठाना है जिनकी रेलवे टिकट कन्फर्म है, ठीक है। और यहाँ हमने सवारियों को फ़ोन के ऊपर या वैसे यहाँ बुला के फिजिकली उनको चेक किया, टिकट वेरीफाई कराया तो किसी के पास रेलवे की टिकट नहीं थी। यानी महज वही यात्री जा सकते हैं जिनको आगे रेलवे के जरिए कहीं आगे कन्फर्म हो, सीट कन्फर्म हो, रेलवे टिकट कन्फर्म हो। अब उस घड़ी में क्या है, हम यहाँ से बिठा भी देते हैं तो उनको रिसीव कौन करेगा? जिसकी सीट कन्फर्म नहीं है रेलवे की, टिकट कन्फर्म नहीं है, अगर उसको बिठा दिया तो वहाँ रिसीव कोई करने वाला है नहीं, उससे जो है कोरोना बढ़ने की आशंका ज़्यादा होती है। तो फिलहाल यहाँ पे आप स्कैनिंग करके भेजते हो, थर्मल स्कैनिंग होती है, उतारते कम समय भी यही है। हाँ, कोई रिसीव नहीं करेगा वहाँ, उनको रिसीव तो उसी को करेंगे जिसकी टिकट है। तो गाड़ी कहाँ जाएगी अभी, ये दूसरी जो गाड़ी आई है दिल्ली, अभी आएगी वहाँ गुड़गांव की सीट बुक है। कितनी सवारियाँ हैं? 30 सीट है। 30 सीट में कितनी अभी, 25 अभी 28 हो चुकी हैं, दो कैंसिल हुई हैं। तो प्रतिदिन जहाँ की सवारियाँ अगर इन स्टेट अगर बनती हैं तो वहाँ भेजेंगे, वहाँ भेजी जाएंगे। अभी गुड़गांव की हैं 28 सीट हैं यहाँ पे, यहाँ से भिवानी से। तो दिल्ली की गाड़ी जाएगी सर या भिवानी? दिल्ली की जाएगी, रवाना करेंगे वो कन्फर्म है, दिल्ली की जाएगी, ठीक है ना। स्थानीय अगर बात करें, किसी और रूट पर भी गाड़ी चलाए भिवानी सार, भिवानी सिरसा, भिवानी सार? मेरे पड़ोसी राज्यों ने चलाई थी, डिस्ट्रिक्टों ने चलाई थी, जैसे दादरी ने अभी अभी फोन आया था, नवीन जी का भी आया था, उन्होंने चला के देखी थी, मात्र एक सीट, एक सवारी, एक जींद से। नॉर्म क्या है सर, क्या नॉर्म है, कितनी सवारियां होंगी तभी गाड़ी रवाना की जाए? अगर 15-20 तो हों कम से कम, हमारे पास में मैक्सिमम 30 सीटों के लिए था, 15 तो हों, 15 नहीं होती है तो फिर उसको चलाने का फ़ायदा क्या है? अब यहाँ पे सीट मतलब पैसेंजर मिले सिर्फ दो ही, ठीक है, दो के ऊपर तो गाड़ी नहीं भेजी जा सकती किसी भी। कुछ यात्रियों में रोष देखा गया था कि उन्होंने दिल्ली की बुकिंग